ये रिएक्शन का नाम है ग्रूस प्रोसेस। ठीक है, एच सेल प्लस एनहाइड्रेजन सेल टू को बोलेंगे अपन, लोकास रिएजेंट है। इसमें अटेंड करने के टाइम पे एनहाइड्रेजन NaBrH2SO4 डाल दिया तो क्या बनता है अपने को, RBr प्लस NaOH बनता है। अगर ये कर लिया RX प्लस H3PO3 बनेगा, HCl5 डाल दिया RCl प्लस POCl3 प्लस HCl है। इधर रेड फास्फोरस डाल दिया तो जनरली क्या बनता है बोला तो RX बनता है, बाय प्रोडक्ट H3PO3। ROH है तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये दोनों कौन से स्टेट में बनता है, रेड गैस स्टेट में बनता है। इसमें अपने को ठीक है, अगर यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है अगर अल्काइल हैलाइड्स में हुआ तो कैसा होता है अपने को। अल्काइल हैलाइड्स में रिएक्शन होने के टाइम पे कौन सा कंपाउंड को कैसा रिएक्ट करते हैं एक बार देख लो। CH3 H C2H5 CH2OH प्लस HCl डाला तो मतलब OH बॉन्ड तोड़ देने का, तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में निकाल दिया तो क्या बनता है अपने को। ठीक है, तो बनेगा CH3H C2H5 CH2Cl। ये कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड है। प्राइमरी हैलाइड है तो अपने को जनरली क्या होता है, अल्कोहल है। हैलाइड बन रहा है, ठीक है, तो इधर प्लस लिया तो इधर कौन सा बनेगा अपने को, माइनस बनेगा, इनवर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर उसके बाद अगर कंसिडर किया अपन, देखो रे C2H5 वाई एच CH3 ये बनाने का है, ये बनाने का है मतलब जनरली कौन सा कंपाउंड से बनाने का है देख लो। C2H5X CH3H, तो इसको वाई सब्सटीट्यूट कर रहे, एक्स निकाल के वाई लगाने का है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसकी एग्जैक्टली इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया। देख लो एक्स निकल गया, इधर का एक्स निकल गया, वाई आ गया, लेकिन इन्वर्शन हो गया। ठीक है, और सेम कंडीशंस में इसका वाई सब्सटीट्यूट करने के टाइम पे और कैसा बनता बोला तो वाई C2H5H CH3 इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। मतलब वाई लगाने के टाइम पे अगर टर्शियरी हैलाइड रहा तो जनरली कौन सा होता है अपने को, ए प्लस बी दोनों बनता है। ये बी पकड़ लो, ए प्लस बी दोनों बनता है अपने को, यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। टर्शियरी हैलाइड रहा तो रेजमिक मिक्सचर बनता है ना, इसलिए ए प्लस बी दोनों बनता है बोल के दिया भाई। एक रिटेंशन है, एक इन्वर्शन प्रोडक्ट, दोनों बनता है, इसको ही रेजमिक मिक्सचर बोलते हैं अपन। अगर दे दिया नेक्स्ट, उसके बाद देखो रे
CH5Br+Mg कौन सा होता रे? ड्राई ईथर का प्रेजेंस में होता है। CH5Br+Mg है तो ड्राई ईथर का प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? CH5MgBr बनेगा अपने को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन में रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें सब्स्टिट्यूशंस में ही ArSn2 एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोल के कुछ रहता है। क्लोरोबेंजीन एक NO2 रहा, NaOH डालना पड़ेगा। 443 केल्विन H+ बनता है। क्या है? OH और NO2 आएंगे पैरा पोजीशन पे। वही जगह पे NO2 अगर दो जगह पे लिया, आर्थो और पैरा पे लिया हुआ है, NO2 आर तो और पैरा पे जगह पे ले लिया तो जनरली क्या होता है? टेम्परेचर 443 की जगह पे अपने को होता है 368 केल्विन होता है। NaOH 368 केल्विन। ठीक है, 368 केल्विन H+ डाल दिया, अपने को प्रोडक्ट बनता है Cl निकल के OH आएंगे। बस दो NO2 विड्रॉइंग ग्रुप रहने से टेम्परेचर कम हो गया इसमें, मेन ये है। और एक रिएक्शन है, अगर तीनों आर तो पैरा आर तो के तीनों में नोट रहा, डायरेक्टली वार्म वाटर डाल दिया तो भी अपने को सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें NaOH कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है। ये ArSn2 रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये ArSn2 रिएक्शन हो गया। और वुड्स फिटिंग फिटिंग रिएक्शन पेंडिंग है ना अपने को? कल सिर्फ वुड्स रिएक्शन हुआ है, एक बार देख लो। ए आर एक्स प्लस NA+RX, इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स फिटिक रिएक्शन है। तब बनता क्या है? AR+NAX। अगर 2 मोल्स ऑफ ARX ले लिया तो क्या बनता है अपने को? NA AR बनता है +2NAX, इसको बोलेंगे अपन फिटिंग। नेक्स्ट उसके बाद देखो रे, उसके बाद है चैप्टर वाइज कुछ रिएक्शन है। हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पेंडिंग रिएक्शन है, कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन बाकी है। स्टार्टिंग से अभी पेंडिंग रिएक्शन सारे कंप्लीट करता हूं मैं, देख लो एक बार। देखो अल्केन्स में अभी तक चैप्टर्स में तुम लोगों को सारे रिएक्शन खत्म होने के बाद अल्केन्स में 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन बचा हुआ है अपने को, देख लो। फर्स्ट है अल्केन्स का पेंडिंग रिएक्शन है, फर्स्ट एनहेक्सेन इसका आइसोमराइजेशन। एनहाइड्रस AlCl3HCl डाल दिया, तो बनेगा क्या अपने को? 2 मिथाइल पेंटेन+3 मिथाइल पेंटेन बनेगा, इसको बोलेंगे आइसोमराइजेशन है। आइसोमराइजेशन का रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3 और HCl है। और कंबशन में CH4+ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल CO+3H2, ये तुम लोगों को दिया हुआ है। बॉश प्रोसेस में एक स्टेप रहता है, बचा हुआ मीथेन कंबाइन होकर वाटर के साथ CO+H2 बनता है, इसको ही वाटर गैस बोलते हैं अपन। अल्केन्स में बचा वाला रिएक्शन है ये। इसके अलावा पायरोलाइसिस है, पायरोलाइसिस का 2 रिएक्शन बाकी है। ये देखो रे पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस में पायरोलाइसिस ऑफ कंपाउंड है C6H14 C6H12+H2 C4H8+C2H5
H6। और C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। ये देखो अल्किन है, ये भी अल्किन है, ये अल्किन है। बड़े वाले सब क्या बन रहा है अपने को, अल्किन से। छोटे वाले क्या बन रहे हैं, अल्किन से। नीचे वाला रिएक्शन में एक्सेप्शन होता है, डोडेकेन लिया मैंने, बड़े वाला अल्किन बनेगा C7H16 और छोटे वाला अल्किन बनेगा C5H10 पेंटीन हेप्टेन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डोडेकेन मतलब किरोसिन ऑयल बोलते हैं इसको। ये हो गया अपने को अल्केन्स का चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी पॉइंट्स है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, सारे के सारे कवर कर लिया हुआ मैंने। नेक्स्ट, अगर अल्केन्स में कुछ मिस हुआ तो एक बार देखते हैं अपन। अल्केन्स में कुछ रिएक्शंस अगर मिस हुआ तो एक बार देख लो। अल्किन में पोलीमराइजेशन रिएक्शन पेंडिंग था अल्किन का, एन मोल्स ऑफ इथीन, हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। इथीन से क्या बनेगा अपने को, पॉलीथीन। एक है प्रोपीन से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन। ठीक है, ये हो गया अल्किन्स में जितना भी रिएक्शंस पेंडिंग था अपना, सारे अल्किन का रिएक्शंस भी हो गए एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है। पेंडिंग रिएक्शंस में बस रेगुलर प्रोसेस के अलावा बचा हुआ क्या है, अल्किन्स का रिएक्शंस इतना एक्सेप्शन ज्यादा बचा हुआ है। नेक्स्ट देखो रे, अगर तीसरा और कौन सा अपने को, अल्काइन्स में कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन पेंडिंग है, देख लो एक बार। CH2Br, CH2Br फर्स्ट डालेंगे अल्कालिक KOH, एक साइड से H एक साइड से Br निकालो, -KBr -H2O बनेंगे। लेकिन सेकंड स्टेप में अल्कालिक KOH नहीं डालेंगे, इससे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए, अल्कालिक NaNH2 चाहिए। ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने को बनता है कौन सा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तुम लोग कभी भी सोचने के टाइम पे ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में अल्कालिक KOH है, वीक डिहाइड्रोहैलोजनेटिंग एजेंट है, अल्कालिक NaNH2 से कंपेयर किया तो। ठीक है, नेक्स्ट, ये अल्काइन का प्रिपरेशंस में है, ये अल्काइन्स में जो जो रिएक्शंस पेंडिंग है, अभी अल्काइन का रिएक्शंस भी कंप्लीट करते हैं और साथ साथ में CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NA। NA मतलब क्या करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस ½H2। वही जगह पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH CNA प्लस NA क्या बनता रे, C-Na+ ट्रिपल बॉन्ड C-Na+ ½H2। नेक्स्ट है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2, तो बनता क्या इधर भी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na+ NH3। ये रिएजेंट्स है अपने को अल्काइन्स में जो बचा हुआ है, लोअर अल्काइन्स से हायर अल्काइन्स बनाने के लिए काम आने वाला रिएक्शन है अल्काइन्स का है। इसके अलावा अल्काइन्स का जितना भी रिएक्शन है वो सब पहले से अपने को खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, उसके बाद देख लो, उसके अलावा अपने को डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट्स का अल्कालिक KOH यूज करने के टाइम पे
मेजर कौन सा बनता है, माइनर कौन सा बनता है, अल्काइल हैलाइड्स में जो पेंडिंग रिएक्शन से देख लो। अल्काइल हैलाइड्स में सबको देख लिया मैंने, देखो रे अल्काइल हैलाइड्स ले लिया, अल्काइल हैलाइड वाला कौन सा लिया, CH3, CH2, CH2, CHBr, CH2Br, अल्काली KOH डाल दिया, 2 pentene बनता है 81%, और 1 pentene बनता है 19%। ये इंपॉर्टेंट है परसेंटेजेस है। अल्काली KOH डाल दिया तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है बोला तो यही है। नेक्स्ट इसके अलावा अपने को अल्काइल हैलाइड्स में जो भी पेंडिंग था वो सारे कवर कर लिया हुआ है। नेक्स्ट है और अल्काल्स और एल्डिहाइड कीटोन्स में जो पेंडिंग रिएक्शन है वो कर लेने का अपने को। देखो रे एसिड प्लस अल्कोहल है तो क्या बनता है अपने को, एस्टर बनता है। अगर इसको H2 कैटलिस्ट डाल दिया रिडक्शन होके दोनों अल्कोहल्स बन जाता है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का देख लो, RMGX से फॉर्माल्डिहाइड से क्या बनता है, एस्टाल्डिहाइड से क्या बनता है, एसीटोन से क्या बनता है। फर्स्ट 1 equivalent डाल दिया फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस किया, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, इधर RCHOH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, इधर R CH3CH3OH टर्शियरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन से अपने सिलेबस में क्या क्या दिया बोला तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनता है बोला तो यही दिया हुआ है। नेक्स्ट ठीक है, अगर अल्कोहल्स में एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट का रिएक्शन दिया हुआ है, एक देख लो एक बार, 6 moles of CH3C, CH3CH3OH plus 2 moles of aluminium, 2 moles of CH3CH3CH3O thrice Al plus 3H2, acidic hydrogen replacement reaction है, ये हो गया। और alkal plus acid है, इसमें क्या बनता है एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनता है, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनता है, और एस्पिरिन बनाने वाला रिएक्शन है। एक बार कवर कंप्लीट कर लिया तो बचता है सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन बचता है अल्कोहल्स में, एक बार देख तो देख लो। देखो रे ये आर 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 ओ एच अल्कोहल प्लस आर डैश ईओ एच, इधर का वो है इधर का एच निकालते तो बनता है एच प्लस का प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में आर ओ सी ओ आर डैश, तो इसलिए आर डैश सी ओ आया, आर ओ आया हुआ है ठीक है, प्लस एच टू ओ, इधर आर लिया तो आर आएंगे, नहीं तो ये आर लिया तो ये आर आएंगे, ये आर 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 ओ एच प्लस आर डैश सी ओ ट्वाइस ओ, एनहाइड्राइड डाल दिया इतना प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये आर डैश आर वो सी वो आर प्लस आर डैश सी वो ओ एच हाइड्रोलाइसिस, सेम कंडीशन आर आर ए आर ओ एच
प्लस आर डैश वो सी एल, आर डैश ए आर वो सी वो आर डैश प्लस एच सी एल। हाँ, एस्पिरिन बनाने वाला सैलिसिलिक एसिड है ये। इसको एस्टेलेशन किया, CH3CO2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन बनेगा, इसके अलावा एसिड बनता है। एस्पिरिन बनेगा, इसके अलावा एसिटिक एसिड बनता है एस्पिरिन। नेक्स्ट, उसके बाद अपने को देखो रे, उसके बाद अपना बचा हुआ पेंट एलिमिनेशन रिएक्शन बचा हुआ। देखो एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन बचा हुआ है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बचा हुआ है। देखो एक बार, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, और एलिमिनेशंस में टर्शियरी अल्काल भी लिया, H2SO4 डाल दिया। बस टर्शियरी अल्काल के लिए तो 20% लगेगा, सेकेंडरी अल्काल के लिए तो 85% लगेगा, 20% ऑफ H3PO4 लगेगा। 358 केल्विन है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम लगेगा, तब बनेगा आइसोप्रोपीन प्लस वाटर। नेक्स्ट, अगर प्राइमरी अल्काल है, प्राइमरी अल्काल में तो कितना लगता है अपने को, CH5OH दिया, H2SO4 443 केल्विन है, अल्कीन बनता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से अपने को निकालते कैसे है बोला तो ये है। और एक है, अल्काल को ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाने वाला प्रोसेस है। देखो सेकेंडरी अल्काल को ऑक्सीडेशन किया Cu300 का प्रेजेंस में 573 केल्विन है, तो मतलब बनता कौन सा, कीटोन्स बनेगा। वही टर्शियरी अल्काल में Cu573 केल्विन है, बनता है अल्किन्स। इसमें देख लो रे अपने को, और फिनाल से एक रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में बचा हुआ अपने को। देखो फिनाल फर्स्ट NaOH डाल दिया, वो Na बनेगा, उसको CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डाल दिया, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। इस रिएक्शन का नाम है अपन बोलते हैं कौन सा, कोलबे-श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट है सुक्रोज को वाटर डाल दिया, बनता क्या रे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा होता है बोला था अपने को, इनवर्टेश। वही जगह पे ग्लूकोज को C6H12O6, ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम डाल दिया, अल्काल बनता है जाइमेज डाल दिया। 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस
टू सी ओ टू। नेक्स्ट देखो, अगर इथाइल अल्कोहल H2SO4 443 केल्विन, इथिन है H2SO4 413 केल्विन, डाइथाइल ईथर है। और इथाइल अल्कोहल 80 to 110 डिग्रीज, H2SO4 डाल दिया, इथाइल हाइड्रोजन C2H5HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस बोलते हैं इसको, अल्कोहल्स में ये सारे रिएक्शंस है टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट एक बार देखो रे, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है टर्शियरी अल्कोक्साइड आयन लिया प्लस CH3Br, इसमें कोई दिक्कत नहीं, टर्शियरी अल्कोक्साइड आयन रहा तो सब्स्टिट्यूशन इजीली होता है, तो बनता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। लेकिन अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया NaOCH3 डाल दिया, बनता है अल्कीन, बनता है अल्कीन, बनता है, इसको वायलेशन ऑफ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम्हारे सिलेबस में जो दिया हुआ है ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, अगर टर्शियरी हैलाइड दिया तो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस रादर देन सब्स्टिट्यूशन है। ये रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट अपने को देखो, रिएक्शन विद कोल्ड HA हॉट HA का रिएक्शन बचा हुआ है ईथर्स में, रिएक्शन विथ कोल्ड HA। और अपना NCERT में तो ज्यादा रिएक्शंस नहीं दिया, तुम लोगों को नोटबुक में बहुत ज्यादा सिखाया मैंने, NCERT में गिन चुन के 3-4 रिएक्शंस दिया हुआ है, और 3-4 रिएक्शंस देख लो कैसा होता है, एक बार मैं समझा देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। ROR प्लस HX, एरोमेटिक ईथर प्लस HX, तो बनता क्या है पहला वाला RX प्लस ROH, सेकेंड वाला है तो फिनॉल प्लस RX, थर्ड है ROR- प्लस HX, RX प्लस R-OH। अगर एक साइड से टर्शियरी एक साइड से प्राइमरी दिया तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, X इधर H इधर अटैच हो जाएंगे, X प्लस CH3OH, ये तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ, उसमें कोल्ड HA हार्ट HA का रिएक्शंस दिया हुआ है इतना। उसके अलावा ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ज्यादा बार पूछ रहे, टोलिन Cl2H2 डाल दिया, पहला क्या बन जाता है अपने को CHCl2 बनता है, उसको हाइड्रोलाइसिस किया तो बनता क्या है बोला तो बेंजाल्डिहाइड 373 केल्विन पे, इसको बोलेंगे बेंजाल क्लोराइड, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो रे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, साइनाइड डालने के टाइम पे क्या होता है अपने को, ग्रिग्नार्ड रेजेंट साइनाइड्स पे ग्रिग्नार्ड रेजेंट डाल दिया और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बचा हुआ अपने को, ग्रिग्नार्ड रेजेंट पे डाल दिया और कुछ हाइड्रेट कीटोन्स में नेम्ड रिएक्शंस आर्डाल कंडेंसेशन के निजरोस रिएक्शंस पेंडिंग है, देख लो एक बार CH3CH2 C triple bond N C6H5MgBr C6H5 minus MgBr plus N minus C plus attack किया CH3CH2
C6H5 डबल बॉन्ड एन MgBr, हाइड्रोलाइसिस किया तो बनेगा क्या है, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा अपने को। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन में HCN डाल दिया, HCN डाल दिया तो बनता कह रहे अपने को वो एच और सी एन प्लस आर माइनस, ये सेम ग्रुप्स, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और डिफरेंट ग्रुप रहा तो भी रेजमिक मिक्सचर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, बट साइनोहाइड्रिन बनता है, रेजमिक मिक्सचर बनता है उस टाइम पे। एक सी एच थ्री एक एच लिया वो एच और सी एन है, रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट देखो, NaHSO3 और H प्लस ट्रांसफर टेक प्लेस, H प्लस ट्रांसफर होगा यार रिअरेंजमेंट में, तब क्या बनता है OSO2 NaOH, क्यों सल्फोनेटिस रेजोनेटिकली मोर स्टेबल, एक रीजन है, और साथ साथ में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर फॉर्मड, हाइड्रोजन साइनाइड NaHSO3 डाल दिया तो क्या बनता है बोला तो। नेक्स्ट है एल्डिहाइड में अल्कोहल डाल दिया, ये देखो रे RCH डबल बॉन्ड ओ ROH RO माइनस H प्लस, इधर O माइनस C प्लस, तो बनता क्या है RCH OH वार, इसके ऊपर 18 लिया, इधर आएंगे फिर से अगर इसको बोलेंगे हेमी एसिटाल, इसको फिर से RO18H डाल दिया, HOH वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, RCH O18R इसको बोलेंगे एसिटाल, नेक्स्ट है इसके बाद एक ग्लाइकॉल्स अगर डाल दिया एल्डिहाइड्स में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, अपने को प्रोटेक्शन बनता है, एल्डिहाइड कीटोन का प्रोटेक्शन ग्रुप कौन सा बोला तो ग्लाइकॉल्स है, ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोटेक्शन ग्रुप है, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटाल बोलते हैं इसको। आर लिया तो कीटाल बोलेंगे, हिच लिया तो आल डाल बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल आल डाल बोलेंगे। नेक्स्ट कीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रिन, ये भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, देख लो 2,4-DNP,
फोर डाइनाइट्रोफेनिलाइट्रिजीन। इसमें देख लो, फर्स्ट एल्डिहाइड लिया, डाइल्यूट NaOH, आल्डाल कंडेंसेशन बनेगा, आल्डाल प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। विच ऑन हीटिंग, अल्फा बीटा, इसको बोलेंगे आल्डाल प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे आल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। कार्बानियन मैकेनिज्म होता है, नेक्स्ट अगर कीटोन ले लिया वही जगह पे, फर्स्ट स्टेप पे रिवर्सिबल होता है, BaOH ट्वाइस डाल दिया बेस का प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस, बीटा हाइड्रोक्सी बनना चाहिए अपने को, फर्दर हीट किया अल्फा बीटा नेक्स्ट देखो रे, अगर एक एस्टाल्डिहाइड एक प्रोपनाल्डिहाइड क्रॉस डाल कंडेंसेशन डाल दिया, NaOH फॉलोड बाय हीटिंग, अपने को सल्फर डाल दो बनता है, क्रॉस डाल दो बनता है, सल्फर डाल वाला देख लो, ये वाला एक सल्फर डाल बनेगा, ये दोनों है सल्फर डाल प्रोडक्ट्स है। अगर क्रॉस डाल डाले CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 CHO प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये होता है कौन सा, ये दोनों क्रॉस डाल डाल प्रोडक्ट्स है। अगर सेम कंडीशन पे और ले लिया बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन ले लिया मैंने, बेस डाल दिया, तो दोनों में ऑक्सीडेशन किसका होता है बोला तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स, तो इसलिए एल्डिहाइड वाला ग्रुप CH CH CO C6H5, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। 2 मोल्स ऑफ कीटोन लिया तो देखो रे, मैंने अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया 2 मोल्स कॉन्सेंट्रेटेड KOH, कॉन्सेंट्रेटेड बेस मतलब कौन सा, केनिजरोस रिएक्शन है, बनेगा CH3OH प्लस HCOOK, कार्बन नंबर चेंज नहीं होता है। हाँ, इसका केनिजरोस रिएक्शन का स्पेशलिटी क्या रहे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन ऐसा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा अगर इसमें भी देख लो, बेंजाल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाल दिया तो कार्बन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, एक अल्काल बनना चाहिए, एक अल्कली साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बनना चाहिए, CoO Na बनेगा, तो इसमें भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, केनिजरोस रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा देखो रे, साइनाइड को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया तो अभी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पेंडिंग है, तो थोड़ा सा देखो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस में क्या क्या पेंडिंग है, एक बार देख लो रे,
हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस में आरसीएन साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस कर लिया, एच प्लस आर ओ एच माइनस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया तो एसिड बनता है। अमाइड एच प्लस आर ओ एच माइनस एच टू ओ बनता क्या है, एसिड प्लस अमोनिया। अमाइड हाइड्रोलाइसिस किया बनता क्या, अपने को अमाइड को हाइड्रोलाइसिस किया तो एसिड प्लस अमोनिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर एम जी एक्स प्लस सी ओ टू क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनता है, आर सी ओ वो एम जी एक्स बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस किया तो अपने को बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड एलाइड्स को हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बनता है बोला तो देखो, आर सी ओ सी एल हाइड्रोलाइसिस आर सी ओ एच प्लस एच सी एल है, ओ एच माइनस बेसिक मीडियम में किया पहला, आर सी ओ वो माइनस सी एल है, फर्दर एसिड डाल दिया तो बनता है अपने को आर सी ओ एच प्लस एच सी एल। एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइसिस किया एक साइड में एच एक साइड में ओ एच डाल दो, टू मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। इसके बाद देखो रे, एस्टर्स को हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बनता है बोला तो ये देखो, बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस करने के टाइम पे CH3CH2 CH2COONa+C2H5OH। अगर मैंने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहे तो बनेगा CH3CH2CH2COOC2H5, वही जगह पे एसिडिक मीडियम में कर रहे तो CH3CH2CH2COOH। ये हो गए अपने को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। नेक्स्ट ये देखो रे, मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन मैग्नीशियम ईथर क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड बनेगा ना, मेटा के नाइट्रो एज इट इज लिख लेने का MgBr, CO2 मतलब क्या होता है, ड्राई आइस डाल दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, मेटा पोजीशन पे NO2 है, और साथ साथ में बनता है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड से 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगर और एक रिएक्शन देख लो, आज जो सिखाने वाले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, नेक्स्ट रिएक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शन अच्छे से कर लिया क्योंकि एसिड बेसिस का स्ट्रेंथ है, कंपल्सरी इस साल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है।
पैरा पोर्शन पे CH3 CO CH3 लिया, KMnO4 KOH, तो नीचे वाला भी क्या होंगे, ऊपर वाला भी CO के, नीचे वाला भी CO के, डाइल्यूट H2SO4, दोनों क्या बनेंगे एसिड्स, ऊपर नीचे CO OH। टोलेंस रिएजेंट डाल दिया एल्डिहाइड्स में, ये देखो रे CHO, टोलेंस रिएजेंट कोल्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनता क्या है, साल्ट CH3 CH2 CH2 COOH बनता है। नेक्स्ट, इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या आता है, आर्टर देखो रे CF3COOH, CCl3COOH, CHCl2COOH, NO2CH2COOH, CnCH2COOH, बाद में F CH2COOH, बाद में CLCH2COOH, बाद में BrCH2COOH, ये सब के बाद आता है फॉर्मिक एसिड, कंपैरिजन जनरली से इसके साथ करते सब, फॉर्मिक एसिड बाद में Cl2CH2COOH, बाद में बेंजोइक एसिड, इसका और इसका कंपेयर करते हैं, बाद में फिनाइल एसिटिक एसिड, बाद में एसिटिक एसिड, बाद में प्रोपियोनिक एसिड, ये हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आता है इस साल, RCOOH प्लस ROH एस्टर है, RCOO R- ये बनता है, RCOOH के साथ PCl3 PCl5 SOCl2 अमोनिया बनता क्या रे, RCOCl PCl3 प्लस HCl, RCOCl प्लस H3PO3 PCl3 है तो सॉरी, इधर बनेगा H3PO3 PCl5 तो क्या बनता है, RCOCl प्लस HCl प्लस PCl3, अगर वही जगह पे SOCl2 डाल दिया तो क्या बनता है अपने को, RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, और इसमें अमोनिया डाल दिया CH3COOH प्लस अमोनिया NH4 प्लस, हीट किया तो CH3CONH2 बनेगा। ठीक है, सेम कंडीशन पे देखो रे, अभी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कौन सा रिएक्शन पेंडिंग है अपना, बाकी सब हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सारे हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक दो रिएक्शन बाकी है, इसके अलावा बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में क्या क्या रिएक्शन पेंडिंग है एक बार चेक कर लिया, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। ये देखो रे, बेंजोइक एसिड प्लस NH3 COO माइनस NH4 प्लस एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हीटिंग बेंजामाइड, अगर अमोनिया COO माइनस NH4 प्लस हीट किया स्ट्रॉन्ग हीट किया थैलामाइड, ठीक है,
ये रिएक्शंस हो गए अपने को, और साथ साथ में ये देखो अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसको, X2ReDP। ये देखो रे, और अमोनोलाइसिस, अभी अमाइंस में जो रिएक्शंस पेंडिंग है देखते हैं, एक बार ये हो गया तो तुम्हारा ऑर्गेनिक हो जाता है, एसिड्स का भी हो गया अमाइंस का। देखो अमाइंस का हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, RX डाल दिया R2NH सेकेंडरी, फिर से RX डाल दिया R3N टर्शरी, फिर से RX डाल दिया R4N प्लस X माइनस, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट्स बनता है। अगर क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट्स के नहीं तो प्राइमरी अमोनियम साल्ट्स RNH3 प्लस X माइनस, बेस डाल दिया RNH2 प्लस H2O प्लस NaX। अगर एग्जांपल सेम ऊपर C2H5Cl प्लस NH3 C2H5NH2, फिर से C2H5Cl C2H5 twice NH, फिर से C2H5Cl C2H5 thrice N C2H5Cl C2H5 four times N plus Cl minus, quaternary ammonium salts बनता है, ठीक है। नेक्स्ट amide को रिडक्शन किया, LiAlH4 followed by H3O amines बनता है, और Gabriel thalamide synthesis। ये देखो रे Gabriel thalamide synthesis, ये थैलामाइड KOH बनेगा क्या, पोटेशियम थैलामाइड RX बनता क्या है, अल्काइल थैलामाइड एनालकाइल थैलामाइड, फिर उसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया एनालकाइल थैलामाइड को NaOH बनता है सोडियम थैलेट प्लस प्राइमरी अमाइन। मेन है ये है, प्राइमरी अमाइंस के लिए ही करते ये सब लोग, क्या करते हैं आतक लिखते हैं छोड़ देते हैं। ये हो गया गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन देख लो रे, RCO NH2 Br2 फोर मोल्स ऑफ NaOH, प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन था RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस टू एन ए बी आर प्लस टू एच टू ओ, ठीक है। नेक्स्ट RNH3 प्लस एक्स माइनस, वो बेस का डाल दिया प्राइमरी अमाइन, थोड़ी देर के पहले रिएक्शन हुआ प्राइमरी अमाइन प्लस H2O प्लस एक्स माइनस, अगर प्राइमरी अमाइन को हाइड्रोलाइसिस किया RNH3 प्लस OH माइनस, नेक्स्ट उसके अलावा देखो रे अपने को बचा हुआ है चार पांच रिएक्शन, चार पांच भी बचा है क्या, हाँ देखो C2H5NH2 CH3COCl कंडेंसेशन है, तो क्या बनता है CH2H5 NHCOCH3, सेम कंडीशन C2H5
एन एच सी टू एच फाइव सी एच थ्री सी ओ सी एल सी टू एच फाइव एन सी टू एच फाइव सी ओ सी एच थ्री प्लस एच सी एल कंडेंसेशन रिएक्शन सही है सी एच थ्री एन एच टू प्लस सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल इधर का एच इधर का सी एल निकाल दो बनता क्या है सी एच थ्री एन एच सी ओ सी सिक्स एच फाइव एच सी एल आर एन एच टू सी एच सी एल टू थ्री मोल्स ऑफ के ओ एच आर एन सी प्लस थ्री के सी एल प्लस थ्री एच टू ओ हिंसबर्ग टेस्ट है देख लो रे बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड है प्राइमरी अमाइन इसको बोलते हैं सॉल्यूबलिन अल्कली तो फर्स्ट क्लियर बनता है एसिड डाल दिया तो इनसॉल्यूबल ये बेंजीन डाइऑक्सीन क्लोराइड है सेकेंडरी लिया इनसॉल्यूबल एसिड डाल दिया तो भी क्या बनेगा इनसॉल्यूबल बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड है टर्शियरी अमाइंस लिया पहला क्या बनेगा इनसॉल्यूबल एच प्लस डाल दिया मतलब नो रिएक्शन इनसॉल्यूबल नथिंग बट नो रिएक्शन इधर इधर क्लियर बनेगा सिर्फ स्टार्टिंग में क्लियर प्रोडक्ट बनेगा एंडिंग में क्लियर प्रोडक्ट बनेगा बाकी सब इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट्स बनेगा अपने को कंडेंसेशन रिएक्शंस ठीक है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ही है आइसोसाइनिक टेस्ट ओनली प्राइमरी अमाइन्स गिव्स दिस टेस्ट नेक्स्ट इसके अलावा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बचा है क्या कंप्लीट हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में तुम लोग क्या सोचने गए बायोमोलिक्यूल्स में इसका अमाइन एसिड्स का आर ग्रुप निकालो आर ग्रुप इसके लिए कोशिश करो हो जाता है तुम्हारा और इसके अलावा मैंने ऑडियो फाइल्स डाल दिया था मैंने कहाँ पे ऑडियो फाइल्स है यूट्यूब में बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट न्यूडलाइफ पॉलीमर्स का ऑडियो फाइल्स डाल दिया मैंने तुम लोग डाउनलोड करके सुनते जाओ 10 मिनट 10 10 15 15 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर तुम लोगों को पूरा रिविजन होता है उसके सारे एग्जाम्पल्स के साथ उसके सारे मोनोमर्स के साथ पूरा रिविजन हो जाता है अच्छे से सुनते जाओ थैंक यू